स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, हमसे एक सब्सक्राइबर ने यह सवाल पूछा था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी आज वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या भेद है इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि संस्कृत सर्वभाषाया जननी अस्ति, अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई ज्ञात भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा ही है, जिसके सामान्यतः दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत का उपयोग वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद में देखने को मिलता है। पाणिनी ऋषि से पूर्व की लगभग सभी रचना वैदिक संस्कृत में ही मिलती है। दोस्तों, यह भरोपीय अर्थात इंडो यूरोपीय भाषा ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता की भाषा के निकटवर्ती प्रतीत होती है। ऋषि पाणिनी की रचना अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप उभर कर आया। संस्कृत भाषा में व्याकरणिक सुधार के साथ सामान्य संस्कृत भाषा की शब्दावली का उपयोग किया गया है। दोस्तों, लौकिक संस्कृत का प्राचीन उपयोग 500 ईसा पूर्व रामायण और महाभारत में मिलता है। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकसित रूप कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, प्रथम शताब्दी में भारतीय आर्य परिवार की यह भाषा पूर्वी और मध्य एशिया में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई थी। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच कुछ मुख्य अंतरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। दोस्तों, वैदिक संस्कृत की रचनाएं पूर्णतः धार्मिक है, वहीं लौकिक संस्कृत की रचनाओं में लौकिकता देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृत संस्कृत में पर्याप्त शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे देवासह जनामह। वहीं लौकिक संस्कृत में कुछ वैदिक शब्द विलुप्त हो गए हैं, जैसे देवह जनह। वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या अधिक है, वहीं लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कम है, अर्थात जैसे ल स्वर का लोप हो गया है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग धातुओं से पृथक है, इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। वहीं लौकिक संस्कृत में उपसर्ग धातु से जुड़े हैं, उपसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग पर प्रतिबद्धता लग गई है। वैदिक संस्कृत में कुछ स्थानों में सप्तमी एक वचन विलुप्त हो गया है, वहीं लौकिक संस्कृत में सप्तमी एक वचन विलुप्त नहीं होता है। दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में कुछ अव्यवस्था देखने को मिलती है, वहीं लौकिक संस्कृत में व्याकरण के नियमों का अनुसरण करना अनिवार्य है। वैदिक संस्कृत में लोट लकार की उपलब्धता है और लौकिक संस्कृत में लोट लकार का अभाव है। वैदिक संस्कृत में शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर हैं, जैसे पत मतलब उड़ना, सह मतलब जीतना, असुर मतलब शक्तिशाली, अराती मतलब कृपण, बध मतलब घातक शस्त्र, क्षिति मतलब गृह। और लौकिक संस्कृत में शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर हैं, जैसे पत मतलब गिरना, सह मतलब सहना, असुर मतलब दैत्य, राती मतलब शत्रु, बध मतलब हत्या, क्षिति मतलब पृथ्वी। दोस्तों, वैदिक संस्कृत में भाषा में स्वर का उपयोग किया जाता था, वहीं लौकिक संस्कृत में भाषा में स्वरों का उपयोग विलुप्त हो गया। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, वहीं लौकिक संस्कृत में संगीतात्मक शब्दों के स्थान पर बालात्मक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच के अंतर के बारे में। उम्मीद करते फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताए गए टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।